अब बेंटेन के क्रिएटर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि नेमेट्रिक्स वॉच में बेंटेन के सभी एलियन के नेचुरल प्रेडिएटर हैं। अब बेंटेन के सभी एलियन में वेविक और एलियन एक्स भी आते हैं। वैसे तो हमें एलियन एक्स के कुदरती शिकारी के बारे में कोई भी हिंट नहीं मिली है, मगर वेविक के नेचुरल प्रेडिएटर के बारे में हमें हिंट मिली है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि कुदरती शिकारी नॉर्मल एलियन से ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनकी पावर काफी गुना ज्यादा होती है नॉर्मल एलियन से, मगर आप गलत हो। शिकारी का मतलब जो अपने शिकार का शिकार कर सके। अब ये मैटर नहीं करता कि वो कितना पावरफुल है, मैटर ये करता है कि अगर वो शिकारी है तो वो अपने शिकार का शिकार कितनी अच्छी तरीके से करता है। अगर वो अपने शिकार का शिकार अच्छी तरीके से करता है तो वो एक प्रेडिएटर माना जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा पावरफुल हो, हम वेविक के प्रेडिएटर को ही लेके चलते हैं। अब यहाँ इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, वेविक्स प्रेडिएटर इज द स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म ऑफ नेमेट्रिक्स, इरोनिकली द लार्जेस्ट एलियन ऑफ ओमनीट्रिक्स इज प्रेड ऑन बाय द स्मॉलेस्ट एलियन इन द नेमेट्रिक्स। अब यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है कि वेविक का जो प्रेडिएटर है वो नेमेट्रिक्स का सबसे छोटा एलियन है। साफ तौर से कहें तो ओमनीट्रिक्स का सबसे बड़ा एलियन नेमेट्रिक्स के सबसे छोटे एलियन से शिकार होता है। याद है आपको बेंटेन ओमनीवर्स में नैनोमेक ने मैड वेविक को कितना परेशान किया था, वो उसके कान के अंदर चला गया था और उसे डिफीट कर दिया था। वैसे ही कुछ नेमेट्रिक्स का प्रेडिएटर है, वो भी नैनोमेक की तरह काफी ज्यादा छोटा है। अब बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे वेविक का कुदरती शिकारी वेविक से भी बड़ा होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कुछ एलियन एक्स के प्रेडिएटर के साथ होगा, एलियन एक्स का प्रेडिएटर ज्यादा बड़ा नहीं होगा। एलियन एक्स का प्रेडिएटर एलियन एक्स के बराबर तो पावर नहीं रखता होगा, मगर वो एलियन एक्स का शिकार कर सकता होगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नैनोमेक वेविक से ज्यादा पावरफुल है, ऐसे ही कुछ एलियन है जो कि एलियन एक्स का शिकार कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉकवर्क अपनी टाइम पावर के साथ एलियन एक्स की एग्जिस्टेंस मिटा सकता है, पैक्सीडस्क सुला सकता है सेलेस्टियल सेपियन को। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे सेलेस्टियल सेपियन स्पीसीज की। टॉपिक का फेस देखकर सेलेस्टियल सेपियन डर सकते हैं। अपचक सेलेस्टियल सेपियन की बॉडी को खा सकता है और वैम्पायर चूस सकता है सेलेस्टियल सेपियन की रेस को। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वैम्पायर, अपचक, पैक्सीडस्क, क्लॉकवर्क और टॉपिक एलियन एक्स से ज्यादा पावरफुल है तो ये एलियन एक्स से ज्यादा कमजोर ही ना, मगर एलियन एक्स इनसे डरता है। अब शिकारी का मतलब ये नहीं होता कि वो शिकार से पावरफुल है, बस शिकारी अपने शिकार का शिकार करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है। जैसे कि इंसान मान लो किसी शेर का शिकार कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि इंसान शेर से ज्यादा पावरफुल है, शेर के दांत तो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं ना, और एक ह्यूमन कितना भी शेर को काट ले शेर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर शेर इंसान को काट ले तो वो तो जान से मर जाएगा। मगर एक इंसान ने एक शेर का शिकार कर लिया तो वो शिकारी ही तो हुआ। अब इतना समझाने के बाद तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि एलियन एक्स का प्रेडिएटर एलियन एक्स से ज्यादा पावरफुल हो। जैसे वेविक का कुदरती शिकारी है, वैसे ही कुछ एलियन एक्स का कुदरती शिकारी होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।